ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 31 कैपेसिटर्स SCV2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते पहले, द आउटर सिलेंडर्स ऑफ टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2.2 माइक्रोफेरेड ईच आर केप्ट इन द कॉन्टैक्ट विद द इनर सिलेंडर्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर। A battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinders. तो ये एक cylindrical capacitor बन गया, जबकि जिनके inner cylinder positive terminal पे हैं और outer वाले जो हैं negative पर हैं। तो inner cylinder एक साथ हैं, outer एक साथ है। This is a parallel combination. Net capacitance will be C1 plus C2 and charge net charge will be C net into V. तो उससे जो है 44 माइक्रो कूलम आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो प्रॉब्लम आई थिंक। नाउ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर केप्ट वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, व्हाट आर देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस? है ना, 4πε0 R is the formula. If the spheres are connected by the metal wire, what will be the capacitance of combination? Think in the terms of series and parallel combination. ठीक है, जब metal wire से connect कर देंगे हम लोग तो same potential हो जाएगा। तो therefore parallel add हो जाएंगे, C1 plus C2 R 4πε0 common ले लिया and that's all. Question number 3. Each of the capacitors shown in this figure are of 2 microfarad. Find equivalent capacitance and suppose battery of 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on each individual capacitor. तो यहाँ से ये देखो, ये तीनों सीरीज में है, ये भी उनका नेट पैरेलल में है। तो ये C/3 हो जाएगा और 3 टाइम्स 3 इंटू C/3 तो C आ जाएगा, 2 आ रहा है, यस 2 माइक्रोफेरेड और आइडेंटिकल है। यहाँ पर V1 ड्रॉप होगा, यहाँ भी V1, यहाँ भी V1, तो 3V1 इज इक्वल टू 60 विच इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, तो V1 विल बी 20 वोल्ट ईच। तो वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, ठीक है। 14th क्वेश्चन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 10 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर विच कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस 200 वोल्ट बैटरी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर शुड बी 10 माइक्रोफेरेड, नहीं, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेरेड आर अवेलेबल बट दे कैन विदस्टैंड ओनली 50 वोल्ट। डिजाइन द कॉम्बिनेशन विच कैन यील्ड द डिजायर्ड रिजल्ट। तो 50 वोल्ट सह सकते हैं वो, लेकिन हमें लगाना कितना है 200 वोल्ट, तो कम से कम 4 सीरीज में लगा देंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, 200 वोल्ट सस्टेन कर सकते हैं वो। बट सीरीज़ में लगाने से उनके कैपेसिटेंस और कम हो जाएगा, 10/4 2.5 हो जाएगा। तो फिर उनकी पैरेलल रोज बना लें तो हमें नेट कैपेसिटेंस 10 मिल सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, पहले सीरीज़ में लगा के वोल्टेज कंडीशन मीट करेंगे, फिर पैरेलल में लगा के कैपेसिटेंस की कंडीशन मीट करेंगे। तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज़ 4 लगा लिए तो 2.5 आ गया C/4। नंबर ऑफ ब्रांचेस, नाउ नंबर ऑफ ब्रांचेस इन टू कैपेसिटेंस ऑफ ईच ब्रांच मिलकर 10 माइक्रोफेरेड बनाना है। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पता करने हैं, ईच ब्रांच का 2.5 है तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 4 आ गई, और एक में 4 कैपेसिटर लगे तो 4 × 4 16, तो टोटल 16 कैपेसिटर चाहिए। तो अपनी रिक्वायरमेंट पोटेंशियल की भी और कैपेसिटेंस की फुलफिल हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस क्वेश्चन, टेक द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इन द फिगर टू बी 0, यहाँ का भी 0 ले लो। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी एंड डी, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट सी एंड डी। और उसके बाद बोला इफ कैपेसिटेंस कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, व्हाट चार्ज अपीयर्स ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो पहले तो हम अपर ब्रांच का चार्ज निकाल लेते हैं, लोअर ब्रांच का चार्ज निकाल लेते हैं। अपर ब्रांच का चार्ज निकालने के लिए अपर ब्रांच का नेट कैपेसिटेंस चाहिए, तो CACB ये अपर ब्रांच का कैपेसिटेंस,
दोनों सीरीज में है, सी वन सी टू अपन सी वन प्लस सी टू वाले फार्मूले से 8/3 आ गया, तो अपर ब्रांच का चार्ज आ गया नेट कैपेसिटेंस इंटू वी, वी 50 है, 8/3 इंटू 50 400/3 आ गया। लोअर ब्रांचेस का नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, नहीं अभी इसी में ही पहले चार्ज आने के बाद पोटेंशियल निकाल लिया वी ए सी, क्यू वन बाई सी वन, सी वन कितना है 4 है, तो क्यू वन की वैल्यू पुट कर दी, 100/3 आ गया। वी ए सी इज़ वी ए माइनस पी सी, ए हायर पोटेंशियल पे होगा, सी लोअर पोटेंशियल पे, तो वी ए सी आ गया इक्वेशन वन। ए 50 है बिकॉज ये 0 दिया, तो ये इधर का 50 होगा, तो ये 50, तो वी सी आ गया 50/3। ऐसे लोअर ब्रांच पे चलते हैं, लोअर ब्रांच का कैपेसिटेंस निकाला, उसका चार्ज निकाला, फिर उसकी पोटेंशियल निकाला ए एंड डी पॉइंट के बीच का, यहाँ का ये सी वन है, ये सी है 3 माइक्रोफेरेड, ये वाला चार्ज को कैपेसिटेंस से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो हमें पोटेंशियल मिल जाता है, तो वी ए डी मिल गया हमें 100/3। तो वी फिर से वी ए 50 है, लेफ्ट साइड वाली प्लेट जो है 50 पोटेंशियल पर है, तो ये डी का पोटेंशियल मिल गया हमें 50/3। ए का सी का भी उतना ही है ना, डी का भी उतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा ए एंड डी के बीच में, ठीक है 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम ए एंड डी के बीच में कोई कैपेसिटर लगा देंगे तो उस पर कुछ चार्ज फ्लो नहीं होगा, बिकॉज सेम ए एंड डी आर एट द सेम पोटेंशियल, है ना, तो चार्ज फ्लोइंग विल बी 0, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन, नो पोटेंशियल डिफरेंस, देयरफॉर नो चार्ज विल अपीयर, नो चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, ठीक है, बीच में जो लगाएंगे, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए चार्ज अपीयरेंस के लिए। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो ये दोनों सीरीज़ में ऊपर वाले, ऐसे नीचे वाले भी सीरीज़ में है, फिर आपस में तीनों ब्रांच का नेट कैपेसिटेंस पैरेलल में हो गया, तो सीरीज़ वाला निकाल दिया आइडेंटिकल है, उसको 2 टाइम्स कर दिया, बीच वाले के साथ ऐड कर दिया, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे। 17 कैपेसिटर इज मेड ऑफ द फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकेंड प्लेट हैविंग द स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर, द विड्थ ऑफ ईच स्टेयर इज ए, ये ए ये ए ये एंड हाइट इज बी, ये भी बी है, तो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ असेंबली। तो देखो ये नीचे वाली प्लेट ऐसे बनी होगी, वो जिसका ये जो है ये वाली साइड तो 3a लेंथ की और अंदर वाली लेंथ l ले ली जो दिख नहीं रही इसमें, तो इस तरह से टोटल एरिया 3a इंटू l, तो a इंटू l हो गया, 3 को इधर भेज दिया, तो a बाई 3 विल बी ए एल, है ना, ये इतना ए बाई 3 होगा, फिर ये ए बाई 3 होगा, तो ये तीन कैपेसिटर बनेंगे कि पैरेलल में, जिसका इसका सेपरेशन d रहेगा, इसका अच्छा यहाँ पे d दिया, यहाँ पे b दिया, ये भी b दिया, तो इसमें हमें ध्यान रखना पड़ेगा ईच कैपेसिटर जो है C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया, तो पैरेलल में है तीनों, क्योंकि यहाँ पे एक वायर कनेक्ट होगी, एक नीचे होगी, तो पैरेलल में हो जाएंगे, ये प्लेट से एक साथ है सारे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, तो पहले वाले का गैप D है, दूसरे वाले का D प्लस B है, तीसरे वाले में D प्लस 2B, ये वाला D प्लस 2B रहेगा, तो एप्सिलॉन नॉट AL, अभी सबका जो है एरिया A, ये L और ये A, ईच का एरिया ए इंटू एल हो जाएगा, ये यहाँ ए बाई 3 जिसको बोल सकते हैं, ए एल ए बाई 3, ऑलराइट, तो ये कॉमन हो गया इसमें ए एल बाई डी, तो डी तो अंदर रहेगा, ए एल कॉमन हो जाएगा ना, तो ए एल की वैल्यू ए बाई 3 पुट कर दी यहाँ से, बाकी जो टर्म्स अंदर रहेगा ब्रैकेट में, तो क्या ध्यान रखना है इसमें, ये सीधी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर बन जाएगा, 3 कैपेसिटर बन गए जिनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, एरिया जो है सबका ए बाई 3 ए बाई 3, एल नहीं लेते तो सीधे ए बाई 3 लिख सकते थे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द 2 कोएक्सियल सिलेंडर्स ऑफ द सेम लेंथ
10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 and 4 mm, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। तो ठीक है, पहले सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस का फार्मूला ये होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन ln r2 by r1। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसकी वैल्यू जो है 1/9 × 10^9। ठीक है, अलाइट बाकी वैल्यूज भी पुट कर देंगे यहाँ पर, एल की वैल्यू ln 4/2 आएगा, उसकी वैल्यू 0.693 होती है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इतना आ जाता है। दूसरे का जो है रेडियस 4 and 8 दिए, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस, तो इसमें भी चेंज नहीं होगा, रेडियस 4 है तो लॉग 8/4 हो जाएगा, बड़ी रेडियस ऊपर आती तो ये फिर से लॉग 2 आ गया, उसके फिर से वैल्यू उतनी आ जाएगी। तो रेडियस अगर हम का रेशो सेम रख रहे हैं, लेंथ रेडियस का रेशो हम सेम रख रहे हैं, तो कैपेसिटेंस जो है चेंज नहीं होगा, एल एल गिवन सेम, बिकॉज फिर से लॉग 2 ln 2 की वैल्यू 0.693 होती। क्वेश्चन नंबर 19, 100 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट, इट इज़ कनेक्टेड टू द अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 पिकोफैरेड, व्हाट विल बी द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 पिकोफैरेड। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, इसको हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल शेयरिंग ऑफ चार्जेस वाला टॉपिक। तो चार्ज कंजर्वेशन से फार्मूला बनता है कॉमन पोटेंशियल का, C1V1 + C2V2 / C1 + C2, ये फार्मूला बनता है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, अनचार्ज है ये वाला तो इसलिए 0 आ गया, तो कॉमन पोटेंशियल 20 आ जाता है ना। ये टॉपिक के लिए नोट्स रिवाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ईच कैपेसिटर शोन इन द फिगर एज द कैपेसिटेंस 5, EMF ऑफ बैटरी इज 50, हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू द AB, ठीक है, यहाँ से इफ स्विच S इज क्लोज, पहले स्विच S ओपन था तो चार्ज निकाल लेंगे, नेट कैपेसिटर निकाल के, नेट कैपेसिटर निकाल लिया, ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, इनको ऐड हो गया, इसके साथ सीरीज में है, तो सीरीज का फार्मूला C1 C2 / C1 + C2 से निकाल लिया नेट कैपेसिटेंस, तो नेट चार्ज आ गया, C net × V से नेट चार्ज निकाल लिया इतना। अभी जब ये बंद कर दिया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये पूरा कनेक्टिंग वायर जैसा कन्वर्ट हो गया, ये सेम पोटेंशियल पे हो गया ये कैपेसिटेंस, तो इसका जो है इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, तो अभी ये ऐसे बन जाएगा, इसको निकाल देंगे, तो अभी दो ही कैपेसिटर रह गए, उनका 10 पैरेलल में है, 10 है, नेट चार्ज निकाल लिया, नेट कैपेसिटेंस निकाल लिया, नेट चार्ज निकाल लिया 500, पहले 500/3 था, तो डिफरेंस जो है दोनों का 500 - 500/3 1000/3 333.33 µC चार्ज विल फर्दर फ्लो, फाइनल चार्ज इज मोर एज कम्पेयर टू इनिशियल चार्ज। That's all now. We'll continue with the next 20 questions in the next lecture. Thank you very much.